सो आज हम करेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुगल स्कूल विद फीचर्स ऑफ मुगल स्कूल. ओरिजिन डेवलपमेंट, ओरिजिन जो मुगल स्कूल का ओरिजिन है वो लैंडमार्क है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग. जो मुगल स्कूल है वो ओरिजिनेट हुआ जो अकबर का रीजन था उस रीजन में. जो मुगल पेंटिंग है वो ब्लेंड है इंडियन, पर्शियन और इस्लामिक स्टाइल का. जो मुगल पेंटिंग है उसका एक फाइन आर्ट है वो और डेलिकेट ड्राइंग है. और जितनी भी मुगल पेंटिंग है उसमें कैलीग्राफी हो रखी है. जो मेन वर्कर्स हैं मुगल स्कूल के वो हैं मीर सैयद अली और अब्दुल समाद खान. जो न्यू स्कूल ऑफ मुगल पेंटिंग है उसको मुगल स्कूल ऑफ मिनीचर पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है. जो फेमस वर्कर्स हैं मुगल स्कूल के वो हैं तूतीनामा एंड हज़मनामा. उस्ताद मंसूर जो थे कोर्ट आर्टिस्ट जहांगीर के, वो स्पेशलाइज थे प्लांट्स और एनिमल की पेंटिंग में. और जो मुगल स्कूल है उसके बहुत सारे फेमस आर्टिस्ट थे जैसे मिस्किन, उस्ताद मंसूर, उस्ताद फ़खरुल्ला खान और हाजी मदनी. इसमें बुक्स की इलस्ट्रेशन, जो बुक्स और इलस्ट्रेशन है वो प्राइम सब्जेक्ट है मुगल मिनिएचर का. फीचर्स ऑफ मुगल स्कूल, जो नोबल लेडीज़ थी, क्वींस थी और जितने भी रॉयल लेडीज़ थी वो सारी कभी भी पब्लिक प्लेस में बिना अपना बुरखा पहने नहीं आते थे. जो जहांगीर का जितना भी रीज़न था उस टाइम पीरियड में मोस्ट ऑफ द पेंटिंग जो है वो नेचुरल सीन्स, बर्ड्स और एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और हमें ऐसा देखने को मिला है कि मुगल स्कूल में सिंगल हेयर वाली ब्रश यूज़ की जाती थी लाइन्स को ड्रॉ करने के लिए. और हेलो जो एम्परर होता था उसके सर के चारों तरफ हमें एक हेलो और डेकोरेटेड बॉर्डर जो था, ये दोनों स्पेशल फीचर्स थे इस मुगल स्कूल के. और अकबर के टाइम पीरियड में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ हिस्टोरिकल सीन्स बनाए गए थे. जो फिगर्स हैं मुगल स्कूल के वो फ्रंटल हैं या साइड फेस हैं. जो फीमेल फिगर्स हैं उन्होंने ट्रांसपेरेंट उड़नी पहन रखी है. और जो मेल फिगर्स हैं उन्होंने अंगरखा और चूड़ीदार पजामा वो टर्बन्स के साथ पहनते थे. थैंक यू.